हमारी जिंदगी मेरी जबान करो। पठान फिल्म में नजर आने वाले किन दो कलाकारों की पिक्चर में होने वाला है क्लैश? कौन से ऐसे कलाकार हैं जो पठान के अलावा और भी दूसरे फिल्मों में नजर आएंगे? दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह यानी किंग खान की पिक्चर का लोगों को हमेशा से ही इंतजार रहता है, लेकिन बीते कुछ वक्त से किंग खान बड़े पर्दे से गायब चल रहे हैं। जी हाँ, फैंस अक्सर ही सोशल मीडिया हैंडल पर उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि वो अपनी आने वाली कौन सी फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फाइनली शाहरुख खान की अपकमिंग प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है। जी हाँ, उनकी अपकमिंग फिल्म होने वाली है पठान, जिसमें वो दीपिका पादुकोण के साथ नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में जॉन अब्राहम भी उनके साथ दिखने वाले हैं। वेल, हमारे सोर्सेज के अनुसार इस फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आएंगे जॉन अब्राहम, और उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है मुंबई में। दोस्तों, पहली बार ऐसा होगा कि जॉन अब्राहम, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर आने वाले हैं। सिद्धांत आनंद की डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के लिए शाहरुख खान के तमाम चाहने वाले तो बेहद एक्साइटेड हैं, क्योंकि पहली बार शाहरुख खान और जॉन अब्राहम एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे। वेल दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फिलहाल जॉन अब्राहम का करियर पीक पर चल रहा है। जी हाँ, बैक टू बैक उनकी कई पिक्चर रिलीज होने वाली है और ईद पर ही उनकी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 भी रिलीज होने वाली है, जो सीधे तौर पर सलमान खान की फिल्म राधे के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएगी। जी हाँ, आपको बता दूं, राधे भी इस ईद पर ही रिलीज होने वाली है। हालांकि फिलहाल के हालात को देखते हुए सत्यमेव जयते के मेकर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि शायद फिल्म के रिलीज डेट को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। इसके अलावा मोहित सूरी की अपकमिंग फिल्म एक विलेन 2 में भी जॉन अब्राहम अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे और इस पिक्चर में उनके ऑपोजिट दिखेंगे दिशा पाटनी। इसी के साथ कुछ दिनों पहले ही जॉन अब्राहम की फिल्म मुंबई सागा को रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी खासी कमाई भी की। दोस्तों, आपको बता दूं, अपकमिंग फिल्म पठान में सलमान खान का भी कैमियो रोल होने वाला है। अब सलमान खान के कैमियो रोल से जाहिर तौर पर फिल्म को 4 चांद लगना तो बनता है, क्योंकि सलमान खान के तमाम चाहने वाले तो किसी भी पिक्चर में उनकी छोटी सी झलक ही दिख जाए इसके लिए बेकरार हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले ही जी स्टूडियोज ने राधे को 230 करोड़ रुपए में खरीद लिया और इसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद राधे को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए और इसे थिएटर रिलीज ना मिले। वेल, सलमान खान ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद बताया है। जी हाँ, एक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की पुष्टि की कि राधे को थिएटर रिलीज ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस ईद पर ही राधे को रिलीज किया जाएगा। इसी बीच सलमान खान ने थिएटर के मालिकों से ये अपील भी की है कि ऑडियंस की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए अगर राधे को थिएटर रिलीज मिलेगा तो। दोस्तों, फिलहाल इस बारे में कॉन्फर्मेशन तो मिल गई है, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार राधे इस ईद पर ही रिलीज होगी, वो भी थिएटर्स में ही। तो सलमान खान के तमाम चाहने वालों के लिए ये है दोहरी खुशखबरी। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।